सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और नेता अपने अपने तरीकों से आपके घर जाकर वोट मांगने की तैयारी में जुट गए हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ गाजियाबाद लोकसभा सीट की। 2014 में किस प्रत्याशी को कितना मिला था, कौन से प्रत्याशी पहले नंबर पर आए थे और कौन से प्रत्याशी दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आप इसे अपने क्षेत्र का कौन सांसद होगा और आपके लोकसभा सीट से कौन दूसरे नंबर पर होगा, इससे भी आप जानने में आपको आसानी होगी। साथ ही आप ये भी तय कर सकते हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। तो बेकार समय गंवाए हम आपको जल्दी से बता दें कि पहले नंबर आपके गाजियाबाद लोकसभा सीट पर विजय कुमार सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला था 7,58,482। इनके बाद दूसरे नंबर आते हैं राज बब्बर, जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला था 1,91,222 वोट। वही तीसरे नंबर पर आते हैं मुकुल, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते, इनको वोट मिला था 1,73,085। और चौथे नंबर आते हैं सुधीर कुमार, जो समाजवादी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ते, इनको वोट मिला था 1,06,984। वही चौथे नंबर पर आते हैं सजिक लिमिक मलिक, जो आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला था 79,147। और इनके बाद आ जाते हैं संजीव कुमार, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, इनको वोट मिला है 4,639। और इनके बाद आ जाते हैं साबिर, जो निर्दलीय प्रत्याशी और इनको वोट मिला है 3,409। इनके बाद आते हैं सुरेश पाल, जो भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला 1,591। और इनके बाद आता है निसार गौतम, जो बहुजन मुक्त पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे और इनको वोट मिला था 1,548। और इनके बाद आ जाते हैं सलीम मलिक, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला 1,486। इनके बाद आते हैं रिंकी कुमारी त्यागी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला 1,185। और इनके बाद आते हैं रामपाल सक्रिय, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला 1,094। और इनके बाद आते हैं विनोद कुमार त्यागी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 992। और इनके बाद फिर आते हैं केशव चौधरी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 627। और इनके बाद नितिन, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनको वोट मिला है 624। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके इन गाजियाबाद लोकसभा किसी भी प्रत्याशी को वोट ना देने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो मैं जल्दी से बता दी, इन्होंने अपने मत अधिकार का तो प्रयोग किया है लेकिन किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने नोटा का बटन दबाया है। तो इनका जनसंख्या है 6,205। तब आप जान चुके होंगे कि आपके इन लोकसभा आने वाले गाजियाबाद में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन से सांसद होंगे। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।